अपोनेंट आपका हाथ को इस तरह से जकड़ लेता है, कुछ थप्पड़ भी मार देता है, हाथ जकड़ देता है। तो साथियों हम एक बार बताना चाहते हैं कि मान्या दानू का बिल्कुल मेरे 2 सप्ताह पहले हमको ज्वाइन किए हैं, ये सिर्फ 2 सप्ताह ही ट्रेनिंग ली है। तो दोस्तों इसमें आपने ध्यान दिया कि ये मेरे हाथ को ग्रिप कर दिया गया, कुछ थप्पड़ मारा गया, बाय द वे कुछ थप्पड़ मारा गया, ऐसे थप्पड़ मारने के बाद इसने हमको पकड़ लिया और इसमें आपको बचाव करना है दोनों हाथ। तो आपका ग्रिप हो गया, आप कुछ खास कर सकने की स्थिति में नहीं है, मगर दोस्तों इसमें भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो देखिए आप यहाँ से अपने जो पंजे को आप इस तरह से कलाइयों को यूं लाएंगे, हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, आप अपने कलाई को यूं लाएं और यहाँ से दोनों हाथ से वापस उल्टा ग्रिप कर ले अपोनेंट को। और ग्रिप करने के बाद आप राइट लेग से एक फ्रंट किक बहुत ही पावर से मार सकते हैं। ये फ्रंट किक मिडिल पे पावर से, आप समझ सकते हैं कि अगर हम पावर से मार देंगे तो अपोनेंट का ये पोजीशन आ जाएगा, जबकि आप ध्यान देंगे कि हम इसको ग्रिप भी किए हुए हैं और थोड़ा सा होल्ड करते हुए अगर हम जोर से हिट कर देते हैं तो कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट दुश्मन होगा वो तो यही भी टूट जाएगा। तो यहाँ पर एक किक मारने के बाद ये कंडीशन मिलता है कि आपका दुश्मन इस तरह झुके हालत में है और इसके बाद हाथ तो ढीला, ग्रिप तो ढीला हो ही जाएगा और इसके बाद बड़े आराम से यहाँ से एक एल्बो अटैक मार देंगे, अपोनेंट जमीन पे होगा। तो साथियों इसमें आपने देखा कि अपोनेंट जब जमीन पे होगा तो आप अपने परिस्थिति अनुसार उसको कुछ किक भी मार सकते हैं, कुछ पंच भी हिट कर सकते हैं।